हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं शीतला देवी के मंदिर जो है काठगोदाम में। तो चलिए हम भी चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं। ये देखो पीछे आलसी इंसान प्रसाद ले रहे हैं, चलो देखते हैं। ये देखिए आलसी इंसान प्रसाद लेते हुए। हेलो, आओ। ये है माता रानी का प्रसाद। मैं माता का श्रृंगार पिटारी दुन्नी धूल प्रसाद भैरव का भी होता है, माता का भी होता है, पूरा चलता है माता रानी को। इसको बैग में रख लीजिए, बंदर सुन लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये लो इसको बैग में रखो। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अभी शीतला माता के मंदिर में, जो है बिल्कुल काठगोदाम से आगे रानीबाग पे स्थित। और फिलहाल अभी जस्ट दरवाजे से एंट्री करी ही है और सीढ़ियां हैं यहाँ, आप देख सकते हैं। मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। आगे सीढ़ियाँ वगैरह हैं और बंदर वगैरह तो हैं बहुत सारे। एक बंदर बैठा है और दो तीन उसके मतलब मसाज वगैरह में लगे हुए हैं। वो बॉस होगा जरूर, क्यों वैसे ही है। ये देखिए देखिए, यहाँ पे इन्हें छीन लिया है इनका प्रसाद। ये देखो छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब इन्हें पहल का मजा दिया है। चलो चलो साइड से, चलो साइड से। अरे ये माता के नाम पे वो कर दो विसर्जित। साइड से, चलो साइड से। अरे इधर साइड से, चलो। देखा, इसलिए वो जो भैया से हमने प्रसाद लिया था उनने हमें पहले ही चेतावनी दे दी थी और उन्हें पहले ही वो बैग में डाल दिया था प्रसाद, वरना हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होता, ऐसा ही हो सकता था। देखिए शादी वगैरह भी होती है, आगे से जोड़ा आ रहा है शादी, नव विवाहित भैया। कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए यहाँ पे माता जी के आशीर्वाद के साथ नई शादी हुई है, हमने बधाई दे दी है। लेकिन इधर देखो, इधर बधाई इधर बधाई देना तो छोड़ो, यहाँ चलने में ही हालत खराब है। कुछ बोल के दिखाओ मम्मा। अरे यार, एक तो बंदरों ने बड़ा डरा के रखा है, देखो यहीं आ गया हमारे बगल में। अरे यार, तुम्हारे हाथ में तो खाने का कुछ नहीं, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। यह मतलब स्टार्टिंग करते ही एडवेंचर चालू हो चुका है। यहाँ देखिए, हंस के दिखाओ। आज कुछ नहीं निकल रही है हंसी हंसी यहाँ पे सब मामला। यहाँ पर तो बैठ भी नहीं सकते, बंदर आ जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि पूजा भी चल रही है तो ऊपर स्पीकर की आवाज आने लग गई है। मौसम बहुत ही सुहाना है, आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल पहाड़ के बीच में स्थित है, चारों तरफ से आपको पहाड़ की चोटियाँ ही चोटियाँ दिखेंगी और बीच में ये रास्ता और हम लोग और आते हुए श्रद्धालु जितने भी हैं सब माता के दर्शन के लिए आए हैं और आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। ये पहला स्टॉप आया है बैठने का, तुम चाहो तो बैठ सकती हो। नहीं बंदर। ये सही है, यहाँ पे बंदर को मुझे थैंक यू कहना पड़ेगा कि उन्होंने मेरा टाइम बचाया है, वरना बहुत टाइम खोटी करती चढ़ाई में। थैंक यू। हमारे साथ जो हमारे पार्टनर है, ये कह देखिए फिर थक चुके हैं। ये एडवेंचर प्रेमी तो हैं लेकिन इनको कंफर्ट वाला एडवेंचर चाहिए। मतलब ना चढ़ना पड़े, ना दौड़ना पड़े, ना डर लगने वाला हो, बस एडवेंचर हो, बस एडवेंचर हो। और ऐसे ही एडवेंचर मैं ढूंढ रहा हूँ, आज तक मेरे को तो मिला नहीं है। यहाँ पे चुन्नी वगैरह बांध देखिए, तो जो भी आपकी मनोकामना होती है आप यहाँ पे चुन्नी बांध सकते हैं और अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए माता से विनती कर सकते हैं। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए यहाँ पे दोबारा से आइए और चुन्नी की गांठ को खोल दीजिए, ये मान्यता है। फिलहाल हमें गांठ बांधने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक अच्छी सुंदर सुशील बीवी हमें चाहिए थी और वो ऑलरेडी मिल चुकी है। हंसा क्या, तुमसे बोला भी नहीं जा रहा है। फोटो खींच दो, पोज दो, पोज चेंज, क्लिक हो चुका है, ये भी क्लिक हो चुका है, क्या बात है। अरे मजा आ गया। देखा, और बार जब भी क्या होता है फोटो लेने के लिए बोलती हूँ तो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, मोबाइल निकाल लेता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ कि मेरे साथ बीच में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। बाकी सामने से फ्रंट लुक आ गया है,
मतलब क्या है, पेड़ है चारों तरफ से और उसके बीच में जहाँ जहाँ पे गैप है वहाँ से आपको मंदिर का फर्स्ट लुक दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरा जंगल है, बीच में पेड़ है और ये बीच में से आपको मंदिर का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। तो चलते हैं मंदिर की तरफ को और दिखाते हैं आपको मंदिर कैसा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। ये देखो यहाँ फोटो ही देखी जा रही है, क्या मिलता है भैया फोटो से। और ये देखो फोटो कौन सी देखी जा रही है जोर से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता के, जय माता के, जय माता के, जय माता दे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे भजन वगैरह चल रहे हैं और हम पहुंच गए हैं बिल्कुल फ्रंट में। यह पूरा एकदम आत्मीय माहौल हो गया है, जैसे वो धूप वगैरह और हवन होता है तो उससे जैसे आती है ना महक, वैसी महक आने लग गई है। ये हमारे प्रॉपर भक्त जो आते ही भक्तिमय माहौल में घुल चुके हैं, लीन हो चुके हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और आपको भी भक्तिमय माहौल में लीन करते हैं। चलिए यहाँ पे चलिए भागवत कथा, और ये जो आप आवाज़ वगैरह सुन पा रहे हैं स्पीकर पे, ये भागवत की है और हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे हैं। आरती का समय हो रहा है। रे अम्बे गोरी मैया जय श्यामा गोरी, तुमको निस दिन जावते हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गोरी। जे सचियाए माँ मैया, जे सचियाए माँ, तुमको निस दिन जावते हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जे श्यामा गोरी। मांग सिंदूर विराजते टीको मृग मत को, यहाँ पे देखा जब माता का आशीर्वाद मिलना होता है ना तो ऐसे मिलता है। हम आए थे ऐसे घूमने के लिए, नॉर्मल हमारा प्लान था, लेकिन यहाँ भागवत चल रही थी और लास्ट ही उसमें आरती वगैरह चल रही थी, तो हमें आरती भी मिल गई, प्रसाद भी मिल गया। देखा, और हम आज बिल्कुल लास्ट दिन पे और लास्ट टाइम पे आरती के टाइम पे यहाँ पहुँचे हैं और प्रसाद भी हमने ग्रहण किया है, माता जी का आशीर्वाद भी लिया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने मतलब 3-4 दिन पहले से सोचा था ना कि हम संडे को यहाँ शीतला माता मंदिर चलेंगे और हम आए। वरना क्या होता है, हम सोचते हैं कहीं का जाते कहीं है, होता कुछ है
और लाश में सब कुछ अलग रहता है, लेकिन यह है माता रानी की कृपा। इसको बोलते हैं जो कहते हैं ना कि जब भी आपके पास माता का बुलावा आएगा तो आप वहाँ अपने आप पहुँच ही जाओगे। तो उसमें अब जैसे मैं शादी जब से हुई तब से इनके पीछे पड़ी हूँ वैष्णो देवी जाने के लिए। ये तो उस दिन किसी दिन वहाँ से ही बुलावा आएगा। और एक बार हमारी फैमिली जा भी चुकी है पूरी, पिछले साल ही चली गई थी लॉकडाउन से पहले और हम नहीं जा पाए। बुलावा नहीं था ना तुम्हारा। तो चलिए प्रसाद लेते हैं। और जबकि मैं शादी से जस्ट एक महीना पहले होके आई थी वैष्णो देवी। देखा, शादी से जस्ट एक महीना पहले होके आई थी, क्योंकि अभी हमारा साथ वाला बुलावा नहीं आया ना। हाँ। तो यहाँ पे बैठते हैं लोकेशन पे और ये पीछे पूरा मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये देखिए, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपकी तरफ से मैं ग्रहण कर लेता हूँ। शीतला माता, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, कोई भी दुख तकलीफ हो आपको उससे लड़ने की क्षमता दें, ताकत दें, ताकि आप अपना जीवन बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से बिता पाएं। सही बात है। और इन्हें सद्बुद्धि दें, वैसे आप सद्बुद्धि वैसे अब काफ़ी सद्बुद्धि आ चुकी है, टैलेंट भी आ चुका है, स्किल भी आ चुकी है, तो अब तो मेरे पास कुछ मांगने के लिए बचा भी नहीं कि मैं क्या बोलूं माता से कि इनको दो। बोलो मैं पतली हो जाऊं। नहीं नहीं, कुछ सोच के तुम्हें मोटा किया होगा। वाह, प्रसाद इतना टेस्टी है ना, मन कर रहा है एक बार और ले आऊं जाके, है नहीं? बढ़िया हो रहा है। एक तो मेवे वगैरह सब भर, मात्रा और घी तो बिल्कुल। तो ठीक है, प्रसाद खाते हैं। वैसे जो भी मतलब अगर यही हल सूजी का हलवा हम घर पे बनाए ना, नहीं बनता, भले ही कितना घी डाल लो, कितने मावे मेवे डाल लो। या उसमें जो यहाँ की शक्ति है वो शक्ति कहाँ से लाओगे तुम घर पे? क्यों, अगर आप बना तो लोगे घर पे, लेकिन जो एक तीर्थ स्थल में बनाने का मजा, तीर्थ स्थल में जाने का मजा है, जो उसमें अलग ही एक शक्ति का एहसास रहता है, वो नहीं आ सकता ऐसे। गुरुद्वारे में मिलता है, वाह क्या मजा आता है। हाँ, गुरुद्वारे में जो हलवा मिलता है उसका आप कंपटीशन कर ही नहीं सकते कहीं से कहीं। बिल्कुल। और पता, जब हम छोटे थे ना, मतलब छोटे कहते हैं, हम 9th 10th में थे तो हम दोस्त वगैरह जाते थे, तो एक बार हम लाइन में लगते थे, लेते थे, फिर हम दोबारा लाइन में लगते थे गुरुद्वारे में। मतलब बचपन से खद्दू हैं। मैं सोच रहा हूँ अब जाके थोड़ा मेरे साथ रह के चस्का लगाओ। आपको मैंने चस्का लगाया बाहर का खाने का। ये बात तो सही है। पहले मैं ज्यादा ज्यादा बाहर कहीं जाता था ना, तो राजमा चावल खा लेता था। और आधी चीजें मैंने इन्हें बताई, ये चीजें भी दुनिया में भाई, इन्हें भी खाओ। लेकिन ये डोसा डोसा ये इडली डोसा तो भी अब हम कहीं, मेरे के बिना डोसा खाए नहीं रहा जाता है। मैं ज्यादा लगता है यार पहले डोसा खाऊं। अगर हम कहीं फैमिली के साथ भी जाते हैं ना, तो वही अगर ये अभी जैसे हम लास्ट मूवी देखने गए थे, तो इन्होंने बोला कि ऐसे जगह चलते जहाँ डोसा मिले, और जैसे हम गाड़ी से उतरे सब ये कह रहे कि तूने वर्षा के कहने पे ही, मैंने और जबकि मैंने इन्हें कहा नहीं था कि डोसा खाना है मुझे, मतलब मेरी आदत लग गई डोसा खाने की। मजा आ गया, माता रानी सबको सद्बुद्धि दे, मजा ही आ गया मुझे प्रसाद खा के, है नहीं? मैं भी इनको बोल रही थी कि मैं एक बार और ले लेती हूँ, मुझे मना कर। हाँ यार, एक बार और ले लेती हूँ। मैंने कहा भाई कम से कम यहाँ तो छोड़ दो यार, साथ प्रसाद होता है यार, आशीर्वाद मिल गया तुम्हें, यहाँ आके तुम्हें आशीर्वाद मिल गया, तो माता जी के दर्शन हो गया, सब कुछ। दोनों पहली बार आए साथ में, शादी से पहले आप भी नहीं आए ना। मैं भी शीतला माता कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ यहाँ पे। अभी लगभग सब समाप्त हो चुका है। जी जी, जय माता दी। जी जी, देखिए तो ये था शीतला देवी मंदिर, और मतलब मजा ही आ गया, ये लगा ऐसा कि हाँ हम किसी धार्मिक जगह में आए हैं, और वो फील भी आया अंदर से, मतलब ऐसा नहीं कि खाली हम घूमने कब वैसे आए तो हम खाली घूमने और कवर करने के लिए थे, लेकिन कृपा रही उसकी, तो ऐसा आपको भी नसीब प्राप्त होगा। बिल्कुल, पर हम जो भी शादी के बाद हम धार्मिक हो गए, तो हमने बहुत सारी जगह सोची, हमने कहाँ कहाँ जाना है, नहीं जिसमें से एक वैष्णो देवी है, दूलनागिरी है। और धार्मिक होने की सबसे बड़ी वजह है ये मैं खुद धार्मिक, खुद धार्मिक है, लेकिन नहीं हूँ, पूजा नहीं करती, क्योंकि देवी देवी तो हो। हाँ, क्योंकि अभी मम्मी घर में करती है, तो मम्मी हम सबके लिए कर लेती है, हम हाथ जोड़ लेते हैं दूर से। और जिस दिन कुछ ऐसा होता है, ऐसे दिवाली में पूजा, तो उसमें हम शामिल हो जाते हैं, कुछ हवन होता है उसमें हम शामिल हो जाते हैं। मैं जिस दिन व्रत होते हैं उस दिन पूजा करती हूँ सुबह और शाम। लेकिन परसों भी तो कुछ पूजा की थी ना, एकादशी की, नहीं पूर्णमासी की, पूर्णमासी की व्रत मेरा। हाँ, पर ऐसे कि मैं रोज जाना व्रत नहीं करती, बस भगवान का नाम ले लिया एक बार, नहाने के बाद का कभी भी ले लो,
भगवान का नाम तो कभी भी ले लो, तो आप सिर्फ दुख में ही उन्हें याद ना करें, सुख में भी याद करें, हाथ जोड़ें, उनको धन्यवाद दें कि जो भी आपने हमें लाइफ दी है, और जैसे मैं कहता हूँ जो भी मुझे लाइफ दी है, मुझे वाइफ दी है, मुझे फैमिली दी है, और आप लोग जैसी ऑडियंस दी है, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में फिर माता जी से विनती करते हैं कि ऐसी कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखें, और सबको आशीर्वाद हमें देते रहें, और आप सबको खुश रखें। और इसी के साथ ये वाले ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं हम समाप्त। जल्दी आपसे नए ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। और ये देखिए ये देखिए अल्लाह कुछ ना कुछ शांति नहीं है। और हाँ लास्ट में, हाँ मैं कह रहा था कि मैं कुछ मांगने के लिए नहीं है, मांगता हूँ हे प्रभु थोड़ा सा शांति दो। अगर मैं शांत हो गई ना तो फिर आप बोलोगे हे प्रभु पहले जैसा कर दे मेरी बीवी को। हाँ अरे वापस लेता हूँ मैं, प्रभु शांत नहीं करना। सही है मैं देख लूंगा। ये बात सच है, ये बात तो मतलब ये हाँ नहीं सही है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पता है पहले से क्या रहता था कि मतलब मैं अपना आए कंपनी से आए, ऑफिस से आए, फिर अपना रूम पे नाश्ता वास्ता किया, थोड़ा मम्मी वजह बात करी, रूम पे गए, हेडफोन लगाया, मूवी या कुछ ऐसा देखना चालू कर दिया। अब क्या रहता है मैं लगाते भी तो कान से खींच के, बीच में कुछ ना कुछ ये कुछ ना कुछ वो, चलो ऐसा चलो वैसा, मतलब लाइफ का जीने का तरीका बदल गया है। सही बताऊं तो ये मूवी को तो इतनी बार बैक करते हैं, इतनी बार बैक करते हैं, मुझे बोलते हैं मुझे मूवी देख देते थे प्यार। और शुरू शुरू में तो हमारी इतनी वो हो जाती थी बहस कि मैं इतनी बोलती हूँ ये आएंगे फोन में लगेंगे, खाना खाएंगे फिर फोन में लगेंगे, मैं बोलती फोन को फेंक दूंगी, कहेंगे ले फेंक दे। चलिए ठीक है फिर मुलाकात। अब यहाँ पे सब बोलते भी है कि शादी के बाद अब ये बोलने लग गए हैं। मैं बोलता मैं पहले से भी था, पर घर पे नहीं, घर पे नहीं बोलता था ना। इतना बकबक नहीं करते थे ये। चलिए ठीक है फिर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जो हम हमेशा आपको कहते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, नहीं तो भी नहीं भूले। ठीक है मिलते, बाय।